झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम्स की तैयारी के लिए झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप सबके लिए रोजाना एक सेट लेकर आ रहे हैं प्रभात एग्जाम की तरफ से। इस सीरीज में हम रोजाना 25 क्वेश्चंस के द्वारा झारखंड के विषय में जानेंगे। ये क्वेश्चंस डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड वस्तुनिष्ठ से लिए गए हैं। इस सीरीज में हम रोजाना 25 क्वेश्चंस के द्वारा झारखंड के विषय में जानेंगे और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को Amazon या Flipkart से भी मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरी जोर भालपुर था? ए चेरो विद्रोह, बी मुंडा विद्रोह, सी तिलका विद्रोह, डी भूमिज विद्रोह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए हीरकुंड परियोजना, बी सतलुज परियोजना, सी गंगा परियोजना, डी दामोदर परियोजना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा यानी 8वीं सदी के आरंभ में स्थापित के संस्थापक का नाम क्या था? ए अर्जुन सिंह, बी जयनाथ सिंह, सी दलेल सिंह, डी काशीनाथ सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, तिलका मांझी ने कहां की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? ए सुल्तानगंज, बी कैमूर, सी रांची, डी रामगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा यानी 1205 वर्ष में स्थापित के संस्थापक का क्या नाम था? ए राम नारायण सिंह, बी दर्प नारायण सिंह, सी जगन्नाथ सिंह, डी हनुमान नारायण सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? ए तिलका विद्रोह, बी मुंडा विद्रोह, सी चेरो विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? ए अर्जुन सिंह, बी काशीनाथ सिंह, सी काशीराम सिंह, डी जगन्नाथ सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान किसे पलाम का राजा घोषित किया गया? ए धनी सिंह खरवार, बी टिकैत उमराव सिंह, सी काशीराम सिंह, डी गोपाल राय। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की शैल में मिलते हैं? ए आर्कियन, बी गोंडवाना, सी धारवाड़, डी विध्यन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा जामदा समूह क्या है? ए कोयला क्षेत्र, बी लौह अयस्क क्षेत्र, सी अभ्रक क्षेत्र, डी तांबा अयस्क क्षेत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, सदनी घाग जलप्रपात किस नदी पर है? ए शंख, बी गुमानी, सी अजय, डी अमानत। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में वासुकीनाथ किस जिले में स्थित है? ए दुमका, बी देवघर, सी रांची, डी गढ़वा।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में चित्र मस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? ए बरही, बी रजरपा, सी मलूटी, डी अंजन धाम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने वाले हेमंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले हैं? ए रांची, बी बोकारो, सी रामगढ़, डी दुमका। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, हुल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे? ए डगरेस बेग, बी एन ई होरो, सी जयपाल सिंह, डी जस्टिस रिचर्ड। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? ए गोपाल मुखर्जी, बी तपन वर्मा, सी आनंद कमल चक्रवर्ती, डी विनायक मिश्रा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, कालेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? ए चतरा, बी प्लामू, सी देवघर, डी रामगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को रांची में कहाँ रखा गया था? ए धुरवा, बी केतलसूद, सी मोराबादी, डी गांधीनगर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, किसने खोखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? ए दर्जुन शाह, बी गोपाल शाह, सी जयनाथ शाह, डी जगन्नाथ शाह। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? ए मेजर बारो, बी कैप्टन ली ग्रांट, सी जेम्स कोपर्ट, डी विलियम टेलर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई? ए जगन्नाथ शाह, बी यदुनाथ शाह, सी गोपाल शाह, डी हेमंत शाह। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1997 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए चरण मांझी, बी दोनका मुंडा, सी गया मांझी, डी विष्णु मानकी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में किस रबी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ए गेहूं, बी चना, सी सरसों, डी मसूर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया था? ए 1781, बी 1783, सी 1785, डी 1787। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आज समाप्त होती है ये सीरीज। ऐसे और सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि ऐसे नए सेट आप तक जल्द पहुंचे। धन्यवाद।